सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ZMCH से। ओसीम आया था मेरे साथ, तो सोचा आप लोगों के लिए एक YouTube का वीडियो बना देता हूँ। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं 390 के ऊपर रिव्यू बनाने वाला हूँ, नया वाला 390 के ऊपर। बट एट दिस टाइम मेरा 250 जो प्रॉब्लम कर रहा है उन सबको मतलब नज़र में रखते हुए आपको इन दोनों का बाइक का प्राइस ऑलमोस्ट 40,000 का डिफरेंस है। ये 2.30 का आता है और ये 2.75 का आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस में आपको R15M चूज़ करना चाहिए या ड्यूक 250 के तरफ जाना चाहिए। एक तरफ पावर है तो एक तरफ रिलायबिलिटी है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से बाइक के मतलब कौन से बाइक में आपको मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा बाइक रियल लाइफ में ज़्यादा प्रैक्टिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इन दोनों के लुक्स में। तो ये एक फेयरिंग बाइक है और ये एक नेकेड बाइक है, दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। ओवरऑल लुक्स के बारे में बोला जाए तो ड्यूक भी काफ़ी अच्छा है और R15 भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे पर्सनली मेरा ड्यूक का मतलब लुक्स थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर लगता है, क्योंकि इसका फ्रंट का जो टायर है ये 110 सेक्शन का है। इस तरफ आप आए तो R15 में आपको 100 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलेगा, वो भी वो नाइलॉन का होता है और ये आपको पता है रेडियल का होता है। उसके ऊपर ड्यूक का जो सस्पेंशन है वो 43mm का होता है, किंतु अदरवाइज इस तरफ आप देखें तो R15 में आपको 37mm का फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा। लेकिन R15 के सस्पेंशंस कंपेयर टू ड्यूक ज़्यादा महंगे होते हैं, ये 27,000 के होते हैं और ये वाले आपको 12,000 में मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोग WP से बोरो करते हैं। बट इन लोगों का जो सस्पेंशन है वो लोग ये खुद क्रिएट करते हैं, इसलिए इनका सस्पेंशन का प्राइस ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा सा डिस्क ब्रेक, ये 320mm का फ्रंट डिस्क है। और इस तरफ आए तो आपको एक 280mm का डिस्क मिल जाएगा, दोनों ही बड़े बड़े हैं। ये 150cc का बाइक है, ये 250cc का बाइक है, 100cc ज़्यादा है, तो इस पर पावर भी ज़्यादा है, तो इसका डिस्क का साइज़ भी ज़्यादा है। बैक प्रोफाइल में आए तो आप देख सकते हो इस पर एक 150 सेक्शन का MRF का रेडियल टायर आएगा। R15 में भी बैक साइड में रेडियल टायर ही आता है, लेकिन ये 140mm का होता है। और ओसीम ने यहाँ पे एक सीट काउल लगा के रखा है, अभी इसको वो कस्टम करेगा आई गेस, रैपिंग वगैरह का कुछ सीन होगा, तो देखते हैं क्या। पीछे का डिस्क भी R15 का छोटा ही है ड्यूक के कंपैरिजन में, वो 240mm का है और आई गेस ये 220mm का है, वही पावर का डिफरेंस के वजह से इसका डिस्क का साइज़ छोटा है। लेकिन मेरे मतलब मुझे जितना तक मतलब वो है, लुक वाइज तो लोग R15 को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि R15 का नो डाउट लुक्स काफ़ी अच्छा है। और अगर हम इसका कंसोल ऑन कर दें तो ये जो स्टार्टिंग में M आया था वो वाला M है, तो इस पर TFT नहीं आता। और फाइने यहाँ पे शायद से ये कुछ आइस टाइप के बना के रखा है, तो मैं ये दिखा देता हूँ। तो स्विच बा किधर है, ये है क्या, स्विच किधर है बे, स्विच ही नहीं मिल रहा, कहाँ पे रखा है बे साले ने, चलो। तो ये था। बाकी नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं कि कौन सा बाइक आपको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं अभी डेली का मतलब वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा वीडियोज़ को थोड़ा लंबा और व्लॉग ओरिएंटेड बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को अपना डेली लाइफस्टाइल भी शो कर सकूँ। मैं दिन में क्या करता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, कॉलेज में क्या गया, कैसे क्लास किया, उसके बाद बाइक को राइड करने के बाद मैं किस तरफ गया, मतलब इन सब चीज़ों को भी मैं कवर करना चाहता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को इस टाइप के व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों बाइक्स का, अगर आप 18-19 साल का कोई लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई भी खरीद सकता है बाइक। तो अगर आप स्टूडेंट हो और आपको पॉकेट मनी मिलता है देन, और आपको थोड़ा माइलेज से भी मतलब हो, लाइक आपको पता है R15 40-50 का माइलेज प्रोवाइड करता है, और वहीं पे ड्यूक 25-31 के बीच में माइलेज
ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो नो डाउट ड्यूक को थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल होगा आर 15 के कंपैरिजन में, और उसके बाद ड्यूक्स के आपको जो ब्रेक पैड्स, उसके बाद ब्रेक्स का लाइफ, टायर्स का लाइफ, ज़्यादा पावर है तो टायर भी जल्दी खींचेंगे, तो वो सब आपको अगर नज़र में रखते हुए बाइक लेना चाहते हो देन आपको R15 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक तो उसका इंजन काफ़ी रिलायबल होता है और वो लंबा दिखता है। आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी शो कर दिया कि मेरे बाइक में मुझे अभी तक कितना मतलब मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और आई होप बाइक मेरा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसका डिस्प्ले भी मैंने ऑर्डर कर दिया, और इंजन से भी आज थोड़ा बहुत कट कट सा आवाज़ आ रहा है, और फ्रंट डिस्क का भी शायद से शू मेरा ख़त्म हो गया, 6000 चल गया मेरा बाइक, तो आई गेस अभी ये चेंज करने का टाइम आ गया। तो यही सब, लेकिन R15 का जो ब्रेक पैड्स होता है तो उनका लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है, वो 10-12 हज़ार तक चल जाता है, लेकिन ड्यूक्स का 5-6 हज़ार में ही काम ख़त्म हो जाता है, और ब्रेक पैड्स का प्राइस आपको 1000 से लेकर 2500 के बीच में मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाले सिंथेटिक लगाना है, सिरामिक लगाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही, आप ओवरऑल ये समझ लीजिए कि ड्यूक के कंपैरिजन में R15 का मेंटेनेंस काफ़ी कम है, काफ़ी मतलब बहुत कम है। आप दिन में इस पर 100 रुपीज़ का तेल डाल के आराम से 40-50 किलोमीटर्स बाइक को राइड कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर 100 रुपीज़ का तेल डाल के फूल ही जाओ कि आप अच्छे से थोड़ा बहुत राइड कर सकेंगे। और सिटी के बीच में ये बाइक बहुत कम माइलेज देती है, ऑलमोस्ट 24-26 का माइलेज इतना तक ड्रॉप हो जाता है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए इस बाइक को थोड़ा रखना मतलब प्रॉब्लम सा हो जाता है कि इतना कम माइलेज में बाइक को मैं कैसे हैंडल करूँ। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको घर से सफिशियंट अमाउंट का मनी मिल रहा है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर 250-390 भी ले सकते हो आप लोग। तो अभी दोनों बाइक्स का मैं आप लोगों को डिस्प्ले कंपैरिजन करके बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। मतलब पहले हम 250 का ऑन करते हैं और यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि मेरा डिस्प्ले ऑलरेडी डेड है। यहाँ पे आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हो कुछ शो नहीं कर रहा, फोकस हो जा भाई, आप लोग लेफ्ट साइड में देखो गाइस कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो ये डिस्प्ले का कंपैरिजन आज के लिए साइड में कर देते हैं क्योंकि डिस्प्ले में कुछ इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा। बाकी मेरा तो मानना यही है कि अगर आपको थोड़ा सा पावर चाहिए, थोड़ा बाइक को मैस्कुलिन चाहिए और आपको माइलेज से उतना प्रॉब्लम नहीं है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर 250, अदरवाइज R15 आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो यही था आज के वीडियो में, मैंने सोचा एक छोटा सा यूट्यूब के लिए मैं वीडियो बना ही देता हूँ। बाकी मैं चैनल पर एक्टिव होने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। तो यही था आज के वीडियो में, तब तक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं गाइस, टिल देन बाय बाय।